हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदय स्टालिन, जो वर्तमान में तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो सनातन धर्म है वह मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह खतरनाक है। जिस तरीके से मलेरिया, डेंगू और कोरोना को खत्म किया गया, उसी तरीके से सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। उनके इस कथन से देश में बवाल हो गया है। सम्मानित साथियों, हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब अंबेडकर के क्या विचार थे, बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते थे? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है, ना ही इस धर्म को सुधारा जा सकता है, इस धर्म का सिर्फ त्याग किया जा सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था द एलियंसन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं जाति भेद का उच्छेद। यह किताब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर के कहने का मतलब ये था कि अगर हिंदू धर्म के लोगों को अगर मैं यह एहसास करा पाऊं कि वो लोग भारत के बीमार लोग हैं, उनकी इस बीमारी के कारण अन्य जितने भी भारतीय लोग हैं उनका स्वास्थ्य और खुशी पर हिंदू धर्म के लोगों की वजह से भारत के अन्य लोगों पर खतरा बन सकता है। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब द एलियंसन ऑफ कास्ट में कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर की यह किताब बहुत ही पॉपुलर किताबों में से एक थी। इस किताब को अगर आप मंगा करके पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ से इसको मंगा सकते हैं आप लोग। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म में होने वाले ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनके जैसे शिक्षित व्यक्ति के साथ इतनी अपमानजनक घटनाएं की गईं, इतना उनको अपमानित किया गया, उससे वह त्रस्त आ चुके थे। वह एक ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जो समाज समता पर आधारित हो, जिस समाज में सभी को समान व्यवस्थाएं मिलती हों, समान नागरिकता मिलती हो, समान सुविधाएं मिलती हों। लेकिन हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जातियों का विभाजन था, उसके वजह से इस देश के समस्त नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिलता था। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर हिंदू धर्म को एक रोग बताते थे। और उसी बात को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जो पुत्र हैं उदय स्टालिन ने कहा है कि हिंदू धर्म जो है वह डेंगू, मलेरिया और कोरोना से भी खतरनाक है। तो सम्मानित साथियों, हिंदू धर्म के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।